कुछ भी करना है आपके तौर तरीके आप पॉजिटिव करेंगे, आपके तौर तरीके आप सही करेंगे, तब आपकी प्रॉब्लम ठीक होने वाली। हर चीज में बहुत बड़ा बदलाव आप देख सकते हैं, आपकी सोच में, आपकी फीलिंग में, आपकी स्टाइल में, आपके अचीवमेंट में। हर व्यक्ति को पता चलता ही है कि मैं कौन सी चीज में अच्छा हूं, कौन सी चीज में नहीं हूं। जिस चीज में आप अच्छे हैं उसको और अच्छा करिए, जिस चीज में आप अच्छे नहीं हैं उसको टारगेट कीजिए और इसमें सुधार कर लीजिए। जो तरीका आपका अच्छा नहीं है इसमें ही प्रॉब्लम है, जो तरीका आपका अच्छा नहीं है इससे ही मानसिक बीमारियां है, इससे ही डिप्रेशन है, इससे ही फोबिया है, इससे ही एंजाइटी है। तो उस तरीके को बदलना है, उस तरीके में आप कैसे सुधार करोगे इसके लिए थोड़ा ध्यान देना है, थोड़ा प्रैक्टिस करना है। तो वो तरीका आपका अगर ठीक हो गया, तरीके में आपने सुधार कर लिया, तो मान लो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। चाहे आपको मानसिक बीमारी है या आपको कोई अचीवमेंट करना है, कुछ भी करना है, आपके तौर तरीके आप पॉजिटिव करेंगे, आपके तौर तरीके आप सही करेंगे, तब आपकी प्रॉब्लम ठीक होने वाली है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इसके बारे में आज तक किसी ने बताया ही नहीं। कोई व्यक्ति एक बहुत आलसी है, हर चीज में आलस करना आपका ये प्रॉब्लम है, आपको आलस बहुत, ये गलत तरीका है। तो अगर आप इसको सुधार करते हैं, आलस को आप हटाते हैं, तो आप थोड़े बेहतर बनते हैं, तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। आपको अगर मानसिक बीमारी है तो भी ठीक होगी, अगर आपको कुछ खास चीजें हासिल करनी है, आपको अचीवमेंट करना है तो भी हो जाएगा। चलो आज तक आपको किसी ने नहीं बताया, स्कूल में नहीं बताया गया, कॉलेज में नहीं बताया गया, पेरेंट्स ने नहीं बताया, ना किसी आपके बाबा गुरु ने बताया कि आपके इतने सारे नेगेटिव तरीके हैं, सब गलत तरीके हैं, आप उसको ठीक करो। आज तक शायद आपके साथ किसी ने इस पर बात नहीं किया होगा, सिर्फ ब्लेम किया है कि झूठा है, तू आलसी है, तू निकम्मा है, तू ऐसा है वैसा है, बहुत सारी बातें आपको बताई गई। किसी ने प्यार से उसको ठीक करने की कोशिश नहीं की, इसका तरीका नहीं बताया कि जो तरीका तेरा गलत है कैसे ठीक करेंगे, वो आज तक किसी ने आपको बताया नहीं। व्यक्ति जिस तरीके के साथ जिंदगी शुरू करता है ना, इसी तरीके के साथ बंद करता है, खत्म होता है, कोई सुधार नहीं करता। आपका जो भी स्टाइल है ना शुरुआत से, जिंदगी की शुरुआत में, वही स्टाइल आपका अंत तक रहेगा। लेकिन हम उसी चीज पर काम करते हैं कि भाई आपको कुछ खास करना है या नहीं करना है, आपके कुछ तरीके जो गलत हैं, जो जिससे आप परेशान है, जिससे मानसिक बीमारियां है, जिससे आपकी सफलता रुकी हुई है, बस आपके तरीके में ही कुछ प्रॉब्लम है, आपके स्टाइल में ही कुछ प्रॉब्लम है, आपके व्यवहार में ही कुछ प्रॉब्लम है, बस उस पर ध्यान दो, उसको सुधार कर लो, देखो जिंदगी कहां से कहां जा सकती है। बहुत बड़ा बदलाव आपकी हर चीज में होगा, हर चीज में बहुत बड़ा बदलाव आप देख सकते हैं, आपकी सोच में, आपकी फीलिंग में, आपकी स्टाइल में, आपके अचीवमेंट में, हर जगह पे आपको सुधार दिखेगा। लेकिन इसके लिए एक्शन लेना होगा। अब एक्शन क्या लेंगे, सबसे पहला एक्शन क्या लेना है कि आपको आपको खुद को ऑब्जर्व करना है। आपको पहले खुद को ऑब्जर्व करना है कि मेरे क्या तरीके गलत है, मेरी कौन सी चीजें गलत है। आपको ध्यान से उसको लिखना है, पहले समझिए फिर इसको लिखिए आपकी कॉपी में। फिर आपको ये भी लिखना है कि इस नेगेटिव तरीके, गलत तरीके को कैसे ठीक किया जाएगा, इसके लिए मुझे क्या करना है, क्या करना पड़ेगा, वो भी आप लिखेंगे। कब से आप इस पर अमल करने वाले हैं ये भी आपको लिखना है। ये हो गया प्रैक्टिकल प्रैक्टिस, ये हो गया प्रैक्टिकल ट्रीटमेंट। प्रैक्टिकल का मतलब क्या, जहां भी कुछ गलत है उसको ही ठीक करना है। हम तो साइंटिफिक बात करते हैं, प्रैक्टिकल तरीका जो आपको बोला कि आपकी कमियां कमजोरियां देखो, आपके गलत तरीके को देखो, उसको ठीक करो, बोले इसमें रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, 100% आएगा। क्योंकि जो भी प्रॉब्लम है ना आपको या किसी को भी, बस आपके तौर तरीके में है, आपकी जो कमियां है कमजोरियां, यही आपकी सबसे बड़ी समस्या है। अगर आप इसमें कुछ कोशिश करके सुधार करते हैं, जिंदगी तो बहुत अच्छी बन सकती है।